नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। राजस्थान में घटे पेट्रोल डीजल के दाम। राजस्थान में 52 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, 47 पैसे घटे डीजल के दाम। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 25 पैसे महंगा, 24 पैसे बढ़े डीजल के दाम। 36 घंटे के ब्रेक के बाद रामबन से फिर शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचेगी कश्मीर के अनंतनाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा, छात्रों अभिभावकों और टीचर से की चर्चा, 150 देशों के लाखों लोगों को दी परीक्षा पर टिप्स। यदि आपको बैंक से संबंध कोई कार्य हो तो आप आज ही उसे निपटा लें। शनिवार से 4 दिन बैंकों का काम बंद रहने की आशंका है। इनमें से 2 दिन शनिवार और रविवार को बैंक का अवकाश है, जबकि सोमवार और मंगलवार को हड़ताल की वजह से काम प्रभावित होने की आशंका है। भारत ने मध्य प्रदेश में हर वर्ष 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी में 12 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंच जाएंगे। शादी के बंधन में बंधे भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल, वडोदरा में मीहा पटेल के साथ लिए 7 फेरे, सोशल मीडिया पर वायरल हुए शादी के वीडियो। गणतंत्र दिवस पर भारत को मिली पहली नेजल कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया इनकोवैक नेजल वैक्सीन की कीमत निजी क्षेत्र के लिए 800 रुपए और भारत सरकार और राज्य सरकारों को आपूर्ति के लिए 325 रुपए। उत्तर प्रदेश के बांदा में हनुमान मंदिर को तोड़ने के नोटिस पर बवाल, रेलवे ने दिया 15 दिनों में हनुमान मंदिर को तोड़ने का नोटिस। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए जमकर की नारेबाजी। फिल्म अभिनेता अनु कपूर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, 66 वर्षीय अभिनेता की हालत स्थिर। आखिरी ग्रैंड स्लैम में सानिया मिर्जा का सपना टूटा, मिश्रित युगल के फाइनल में सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी 6-7 और 6-2 के अंतर से हार गई। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।